हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। अगर आप इस ब्लाउज की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है इसकी वीडियो कटिंग की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। ये लाइनिंग के पार्ट हैं बैक पार्ट के, इस पे हम नेक का कटिंग करेंगे। नेक की लंबाई हम 9.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ऊपर की ओर से हम बोट नेक रखेंगे, 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई का, क्योंकि हमें ऊपर की ओर बोट नेक डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से नीचे तक हम एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे नेक की लंबाई का, जो कि हमारे बोट नेक की लंबाई होगी। अब ये यहाँ पर जो 6 इंच आ रहा है हमारा, इन दोनों के सेंटर पे निशान लगाएंगे 3 इंच पे। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, 20 सेंटर पे हमें 1.5 इंच लेना है। अब इसका हम शेप देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने कपड़े पे ही कटिंग किया है नेक के डिज़ाइन का, कोई बुकरम का यूज़ नहीं किया है। इस तरह से आपको शेप करना है इसका। ऊपर की ओर हम इस तरह से किसी भी राउंड शेप का कुछ भी ले सकते हैं, प्लेट या कुछ भी, जो कि आपका राउंड शेप में होना चाहिए। इस तरह से आपको रखना है बॉक्स के अंदर, लाइन से अंदर ही रखना है और बोट नेक का शेप देना है। अगर आपको गोलाई बिल्कुल भी करनी नहीं आती है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं कटिंग कर दिया है हमने। अब इस तरह से हम दोनों पार्ट को रखेंगे, इसके ऊपर लाइनिंग के पीस को रखेंगे। अब यहाँ पर सुई से टक कर लेना है हमें, ताकि हिले नहीं है। अब यहाँ से हमें सिलाई लेके नीचे तक सिलाई लगाते जाना है। जो इसका शेप है नेक का, उसी शेप में हमें सिलाई लगाना है। हमें 2 सूत के लगभग कपड़े को दबाना है। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब यहाँ पर हल्के हल्के कट लगाएंगे पूरे नेक पे, ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। अब इसको हम पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद हमें इसके ऊपर से टॉप स्टिच करना है। कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है हमें। टॉप स्टिच करना है हमें थोड़ा सा गैप रखते हुए, बिल्कुल किनारे पे नहीं लगाई है मैंने सिलाई। चारों तरफ से कच्चा बखिया लगाएंगे, ताकि हमारा लाइनिंग अटैच हो जाए इसके साथ, कपड़े के साथ। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। नीचे की ओर से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट नहीं करना है, सिर्फ तीनों तरफ से करना है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे, जैसे कि हमने दूसरे पार्ट को रेडी किया था। यहाँ पर हमने नीचे की ओर से सिलाई लगानी है। पूरी शेप जो हमने नेक का बनाया है, उसी शेप में सिलाई लगानी है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, पूरे नेक पे कट लगाएंगे। यहाँ पर हमने कट लगा लिया है। अब इसको हम पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच कर देना है, थोड़ा सा गैप रखते हुए 2 सूत का। चारों तरफ से कच्चा बखिया लगाएंगे।
एक्स्ट्रा कपड़ा अब हम कट कर देंगे, नीचे की ओर से नहीं करना है क्योंकि नीचे की ओर हम तुरपाई करते हैं तो उसमें हमें कपड़ा चाहिए होता है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। पहले हम लाइनिंग को ब्लाउज के कपड़े पर अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें लाइनिंग को अटैच कर लेना है कपड़े के ऊपर। चारों तरफ से कच्चा बखिया लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। सभी पीस को हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। ये हमारे साइडों के पार्ट हैं और वो हमारा फ्रंट साइड का पार्ट था, पीस सेंटर का। प्रिंसेस कट में 3 पार्ट होते हैं हमारे फ्रंट साइड के। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। इस तरह से हम जॉइंट करेंगे इनको। आपको ध्यान रखना है ऊपर नीचे का जिस तरफ से है ये, ऐसा ना हो कि ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ जॉइंट हो जाए। जिस तरीके से आपने कटिंग किया है सेम उसी तरीके से आपको जॉइंट कर देना है, बस आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें इंटरलॉक करेंगे। जो हमारे जॉइंट है वहाँ पे हमने इंटरलॉक कर लिया है। अब इसे हम डबल इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हम बैक पार्ट के शोल्डर को रखेंगे। दोनों शोल्डर हमें बराबर रखने हैं, फ्रंट साइड के और बैक साइड के, तो हम निशान लगाएंगे नेक की चौड़ाई के लिए। जितने हमारी बैक साइड की नेक की चौड़ाई है उतनी हमें फ्रंट साइड में रखनी होती है। अब इसको मेज़र करेंगे, ये 4 इंच आ रही है चौड़ाई, 4.25 के आसपास। अब इस तरह से हम बुकरम को लेंगे, 6 इंच चौड़ी ली है मैंने और 6 इंच लंबी। इसे मैंने डबल फोल्ड में रखा है बुकरम को, अपनी और बंद साइड रखी है। 4.5 इंच चौड़ाई का निशान लगाया है, 4.5 इंच लंबाई का निशान लगाया है। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। फ्रंट साइड में हम बोट नेक बना रहे हैं, इस तरह से हम बोट नेक का शेप देंगे इस पे, क्योंकि हमने बैक साइड में भी बोट नेक डिज़ाइन बनाया है तो हमें फ्रंट साइड में भी उसी के बराबर विड्थ रखनी होती है। तो मैं यहाँ पर बोट नेक बना रही हूँ फ्रंट साइड में। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक को कपड़े पर रेडी कर लेना है नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं। इसको डबल फोल्ड करेंगे, बीच सेंटर पे निशान लगाएंगे, कट लगाएंगे। अब इसको इस तरह से हम अटैच करेंगे, इसके ऊपर बीच की सिलाई लगाएंगे पहले हम। इस तरीके से पूरे नेक पे सिलाई लगाएंगे बुकरम के पास पास, जैसे हम बुकरम का नेक बनाते हैं सेम उसी तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे, पूरे नेक पे कट लगाएंगे। इसे हम पहले फोल्ड नहीं करेंगे, पहले हम शोल्डर जॉइंट करेंगे उसके बाद हम नेक को फोल्ड करेंगे। दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब हम पूरे नेक को अंदर की ओर पलट देंगे, फोल्ड कर देंगे।
कच्चा वखिया लगा देंगे। इसके बाद नीचे की ओर हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हम अटैच करेंगे। ये तुरपाई के लिए हम पट्टी अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। इसे तुरपाई के लिए हमने अलग से पट्टी लगाई है नीचे की ओर। अब इसे हम अंदर की ओर पलट देंगे कच्चा बखिया लगाकर। इसके बाद हमें डार्ट का निशान लगाना है 4 इंच के। 4 इंच चौड़ाई, 4 इंच लंबाई लेंगे और दोनों पार्ट में हम डार्ट लगाएंगे, बैक साइड के पार्ट में। यहाँ पर हमने हुक आई पट्टी लगा ली है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे आई की पट्टी लगाई है, राइट हैंड साइड पे मैंने हुक की पट्टी लगाई है। अगर आप इसकी पट्टी की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया है क्योंकि हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं। बाद में हम इस सिलाई को खोल देते हैं। चेस्ट का चौथाई भाग लेना होता है हमें, 40 का चौथा भाग होता है 10 इंच। कमर का चौथा भाग लेना है 30 का चौथाई भाग लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स की डिज़ाइन बनानी है, जो भी पट्टी आप लगाना चाहते हैं या सिंपल फोल्ड करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को फोल्ड किया है इसके ऊपर, स्लीव्स के ऊपर। नॉर्मली मैंने उल्टी साइड से रखा है और सीधी साइड पलट दिया है। अब आपको ओपन स्लीव्स अटैच कर लेनी है दोनों साइड से। मैंने ओपन स्लीव्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स का वीडियो नहीं दिखाया है। इस तरह से आपको स्लीव्स को अटैच कर लेना है दोनों साइड। स्लीव्स अटैच करने के बाद आपको साइड की फिटिंग करनी है। जितनी आपकी मोहरी है उसका आधा लेना है और निशान लगा लेने हैं। जो भी आपने निशान लगाए हैं उसी पे आपको फिटिंग करना है। इसी तरीके से हमें पूरा नीचे तक सिलाई लगानी है जो हमने निशान लगाए हैं। अगर आप ओपन स्लीव्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है किस तरह से ओपन स्लीव्स को अटैच करते हैं। इस तरीके से हमें साइड की फिटिंग का कंप्लीट करना है। अब नीचे की जो ये नीचे का एरिया है, इसे हम कच्चा बखिया से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें, आप देख सकते हैं, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।